हाय गाइस वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा इस वीडियो में हम सितंबर मंथ थर्ड वीक के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे सितंबर एंड सेकंड वीक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और डेली बेसिस पर रोज सुबह आठ बजे हम आपके लिए करंट अफेयर्स वीडियो लाते ही हैं मेरा नाम है अभिषेक शर्मा चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की हाउ मेनी फैकल्टी मेंबर्स वर मेम्बर्स द फर्स्ट एवर ए विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन पहले ए आई सी टी ई विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 में 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है ये बेस्ट टीचर अवार्ड्स मोक्षगुदम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर 15 सितंबर को दिए गए इन्हें सर एम भी कहा जाता है इनकी जयंती इंजीनियर्स डे के रूप में मनाई जाती है इन्हें साल 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनके प्रयासों से ही कृष्ण राज बांध मैसूर विश्वविद्यालय बैंक ऑफ मैसूर आदि का निर्माण हो पाया था हैदराबाद का फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम भी इनके द्वारा ही डिजाइन किया गया था अगर भारत के इंजीनियर्स की बात करें तो ई श्रीधरण को मेट्रोमैन कहा जाता है आपको सभी को मालूम होगा विनोद धाम को फादर ऑफ पेंटियम चिप कहा जाता है नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है फ्रेंड्स एनआईरएफ रैंकिंग दो हजार बीस की अगर बात करें तो आई मद्रास इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टार्टेड द माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड 19 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम की शुरुआत की है इस प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्यकर्मी हर एक घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे उसी हिसाब से आगे की सलाह लोगों को दी जाएगी महाराष्ट्र जिन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार से हैं कर्नाटक गोवा तेलंगाना छत्तीसगढ़ गुजरात मध्य प्रदेश दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव फ्रेंड्स दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव अब एक ही यूटी है महाराष्ट्र जून के महीने में भी चर्चा में रहा अपने प्रोजेक्ट प्लेटिना के कारण जिसे कि लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल महाराष्ट्र द्वारा कहा गया है फ्रेंड्स महाराष्ट्र के बारे में जल्दी से थोड़ा बहुत जान लेते हैं आपके एसएससी या रेलवे एग्जाम्स के लिए यह इंपॉर्टेंट हो सकता है देखिए महाराष्ट्र एक मई उन्नीस में मना था और ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है और थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज ठीक है और पुणे को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट क्योंकि पुणे में काफी एमिनेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं। नासिक को कहा जाता है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है इंडिया का सबसे ज्यादा औद्योगिकरण यहीं पर विकसित हुआ है मुंबई इज द इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल महाराष्ट्र भारत की जीटीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है 15 परसेंट यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना से हैं और डिप्टी चीफ चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार जो कि एनसीपी से हैं महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ की विंटर कैपिटल है नागपुर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है इस बार वर्ल्ड ओजोन डे का थीम रहा है ओजोन फॉर लाइफ 19 दिसंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था जिसका मकसद ओजोन लेयर को रिड्यूस होने से बचाने के लिए प्रयास करते रहना और स्ट्रेटजी बनाना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फर्स्ट जनवरी 1989 से लागू हुआ 46 कंट्रीज इस प्रोटोकॉल की सिग्नेट्रीज हैं फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल सिटी कनाडा में है इस पिक्चर से आप काफी कुछ जान सकते हैं जैसे कि एरोप्लेन्स किस लेयर में उड़ते हैं रॉकेट किस लेयर तक पहुंच सकते हैं क्लाउड्स किस लेयर में फॉर्म होते हैं और ओजोन किस लेयर में पाई जाती है ये सभी डेटा आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में पूछा जाता है देखिए ये क्वेश्चन ओजोन लेयर से रिलेटेड एक पेपर पेपर में पूछा गया है शायद उत्तराखंड पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ठीक है इसलिए हमें ओजोन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना अब जानते हैं ओजोन के बारे में थोड़ी जानकारी ले, ले लेते हैं देखिए ओजोन को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन फ्रेडरिच स्कोनबेन ने उन्नीस अट्ठारह में ठीक है और ओजोन लेयर को डिस्कवर किया था गोडोन डॉपसन ने उन्नीस में 90 परसेंट जो हमारे जो ओजोन है वो स्टेटोस्फेयर में पाई जाती है और ओजोन जो है वो थ्री ऑक्सीजन एटम्स में मिलकर बना होता है ठीक है और इसे ओ थ्री से सिंबलाइज किया जाता है ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाती है जब ये उन मोलिक्यूल से बनती है जिनमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन पाए जाते हैं द टोटल मास ऑफ ओजोन इन द दोसफेयर इज अबाउट थ्री बिलियन मैट्रिक टनस ओजोन एक पंजेंसी स्मेलिंग की स्मेलिंग वाली गैस होती है ठीक है इसका कलर होता है ब्लू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओजोन को यूज किया गया था गैंग्रीन ठीक है गैंग्रीन क्या होती है एक डिजीज होती है जिसमें बॉडी टिश्यू डेड हो जाता है ठीक है क्योंकि ब्लड सप्लाई सही से पूछ पहुंच नहीं पाती तो इनके ट्रीटमेंट में ओजोन को यूज किया गया था अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन लेयर होल पाया गया था उन्नीस में यह सन कई बार पूछा जाता है कि अंटार्कटिका में कब ओजोन लेयर होल पाया गया था डोपसन यूनिट जो है वो ओजोन कंसेंट्रेशन की एक कॉमन यूनिट है इसको मेजर करने की यूनिट डोपसन यूनिट है ठीक है ओजोन कंसेंट्रेशन को मापने की अर्थ ओवर द अर्थ सरफेस ओजोन लेयर्स एवरेज थिकनेस इज अबाउट थ्री हंड्रेड डॉपसन यूनिट ठीक है जो थिकनेस है ओजोन की वो थ्री हंड्रेड यूनिट है नेक्स्ट क्वेश्चन एन अमेरिकन कमर्शियल कार्गो एयरक्राफ्ट बाउंड फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच एस्ट्रोनॉट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक अमेरिक अमेरिकी कमर्शियल कार्गो अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला जी के नाम पर रखा गया है ठीक है ये कंपनी है नॉर्थरोप ग्रम ठीक है इसका एक जाएगा ये एन जी फोर्टीन साइनस कैप्सूल ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा और इसका नाम रखा गया है एस एस कल्पना चावला कल्पना चावला करनाल जो कि हरियाणा में यहाँ पर ये बोर्न हुई थी ठीक है और इनकी इनका जो स्पेस शटल था कोलंबिया ये क्रैश हो गया था ठीक है इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स कल्पना कल अब देखिए इस साल जनवरी की अगर बात करें तो कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स के बाद राजा चरी नासा के स्पेस मिशन में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट बने थे ठीक है ये जनवरी का करंट अफेयर्स है इसको भी आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन जेन फ्रेजर इज नेम्ड द फर्स्ट वुमन सीईओ ऑफ विच बैंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन जेन फ्रेजर को सिटी ग्रुप बैंक की पहली महिला सीईओ का सीईओ बनाया गया है ठीक है ये बैंक है न्यूयॉर्क सिटी में इन यूएसए नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्यपुरी हैज बीन कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन आदित्यपुरी एच डी एफ सी बैंक के एम डी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज रिसेंटली साइंड द एक्विजन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट विद विच कंट्री द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू ठीक है भारत ने हाल ही में जापान देश के साथ अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इस एग्रीमेंट के अंदर जैसे इन दोनों कंट्रीज के बीच कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो या फिर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन हो तो वहां पर फूड वाटर ट्रांसपोर्टेशन ठीक है एयरलिफ्ट और पेट्रोलियम क्लोथिंग कम्युनिकेशन इन सब में आपस में ये चीज़ें साझा कर सकते हैं ये दस साल तक का एग्रीमेंट होगा और इसके बाद भी ये दस साल के लिए बढ़ाया जा सकता है इस तरह के एग्रीमेंट भारत ने और भी कंट्रीज के साथ साइन किए हुए हैं जैसे यूएसए सिंगापुर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है और 2020 में इसका थीम रहा कोविड नाइनटीन अस्पॉट लाइट ऑन डेमोक्रेसी 2007 से इस दिन को मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑथर्ड इंडिया वर्ल्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू Prime हाउ प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसी इस पुस्तक को लिखा है राजीव डोगरा ने ठीक है इस बुक में जनरली जो हमारे पहले के चार जो पहले के हमारे चार पांच प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है उनकी फॉरेन पॉलिसी उन्होंने किस तरह से हैंडल किया चाहे वो उन्नीस का युद्ध हो या फिर उन्नीस की लड़ाई हो ठीक है किस तरह से फॉरेन पॉलिसी ने भारत को मजबूत किया है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज बीन अवार्डेड विद द तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स ये जो करंट अफेयर है ये सितंबर के पहले वीक का है लेकिन ये रह गया था तो इसलिए मैंने इसको आज की स्लाइड में इंक्लूड कर लिया है ठीक है और जो ये सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं ये फर्स्ट एशियन दिव्यांग स्विमर हैं जिन्होंने 12 किलोमीटर लंबे कैटेना चैनल जो कि यूएस में है इसको क्रॉस किया है 11 घंटे 34 मिनट में फ्रेंड्स विश्व विकलांग दिवस 2020 ठीक है ये मनाया ये मनाया जाएगा 6 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है 6 दिसंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ विच इंडियन बैट्समैन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय रेड बुल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री रेड बुल ने के एल राहुल ठीक है जो कि भारतीय बल्लेबाज है इनकी एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की है ये किंग्स इलेवन पंजाब के कैप्टन है आईपीएल में ठीक है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है के एल राहुल शट आउट द नॉइस न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान योशी हाइट सुगा इज द प्रेजिडेंट ऑफ विच पोलिटिकल पार्टी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर जापान के नए प्रधानमंत्री योशी हाइट लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं यानी प्रेजिडेंट हैं ठीक है थीके? आपको मालूम होगा जापान के प्राइम मिनिस्टर सिंजो आबे ने हेल्थ इश्यूज के कारण हाल ही में अपने पद छोड़ने की घोषणा की थी और उन्होंने अब इस्तीफा भी दे दिया है इसी कारण योशी हाइट सुगा को अब नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है जापान की कैपिटल है टोक्यो यहाँ की करेंसी है येन, और जापान के एम्पर हैं नारोइटो और यहाँ की पार्लियामेंट कहलाती है नेशनल डाइट और जो सबसे प्रचलित रिलीजन है यहाँ पर वो है शिंटो फ्रेंड्स जापान में पांच मेन आइलैंड्स जो हैं अगर उन्हें नॉर्थ से साउथ की ओर देखे जाए तो हैं होकाइडो होंशु शिकोको क्यूसू एंड ओकिनावा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए टोक्यो का जो प्राचीन नाम था वो है ईडो और फ्रेंड्स ये तीन टर्म्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एस और रेलवे एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है काबुकी क्लासिकल डांस ड्रामा है जापान का इकेबाना यह काफी इंपॉर्टेंट है इसे जैपनीज आर्ट ऑफ फ्लावर मैनेजमेंट कहते हैं फ्लावर अरेंजमेंट कहते हैं और आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग ठीक है ये तीनों टर्म्स जापन, जापान से रिलेटेड हैं इन्हें याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल फॉरेस्ट मार्टियस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स अगर हम फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एफ एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है एरिक्ड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट में है जो कि आसाम में है नेक्स्ट क्वेश्चन विच म्यूजियम हैज बीन नेम्ड आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर मुगल म्यूजियम का नाम रखा गया है ठीक है ये अंडर कंस्ट्रक्शन म्यूजियम है जो कि आगरा में बनने वाला है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं उत्तर प्रदेशी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जिनके पास मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज है और उत्तर प्रदेशी कैपिटल है लखनऊ जिन स्टेट से उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है वे हैं राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली, उत्तराखंड बिहार मध्य प्रदेश झारखंड एंड छत्तीसगढ़ नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स विल कम एट विच प्लेस इन बिहार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा ये घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है आपको मालूम ही होगा कि अभी यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो इसी के लिए ये कई घोषणाएं यहाँ पर की जा रही हैं ठीक है और बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान बिहार की कैपिटल है पटना बिहार उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल एंड झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है साथ ही नेपाल के साथ भी ये बाउंड्री बनाता है फ्रेंड्स कई घोषणाएं बिहार में आजकल की जा रही हैं इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पैरादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है बांका तक ठीक है बांका जो है ये बिहार में है बांका में अब एल पी जी बोटलिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा इसीलिए ये लाइन एक्सटेंड की जा रही है पैरादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन की लंबाई 679 किलोमीटर है ठीक है और आपको जैसे बताया मैंने कि बिहार के बांका में एल पी जी बोटल बोटलिंग प्लांट सेटअप होगा इसलिए ये पाइपलाइन बांका तक एक्सटेंड की गई है ये 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी ठीक है फ्रेंड्स और साथ ही में अगर इसी से जुड़ी एक न्यूज़ देखें तो आपको मालूम होगा कि हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन री इलेक्ट हुए हैं तो ये किस पार्टी के मेंबर हैं ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आंसर होगा जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जैसा कि मैंने आपको बताया बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस पार्टी के प्रेसिडेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन हु लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट हीरानगर जम्मू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू जम्मू के हीरा नगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला जितेंद्र सिंह ने रखी है फ्रेंड्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास कई सारे विभाग हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पर्सनल पब्लिक ग्रिवेंसेज एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इन्हीं के अंडर में है नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं ये जम्मू एंड कश्मीर के एल मनोज झा ने हाल ही में स्पैरो सिस्टम भी लॉन्च किया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके एंड अप्राइजल रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो सके ये टॉपिक हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर सेक्शन में भी कवर किया था तो आप इसको याद रखना यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक हैज अपॉइंटेड टेको कोनिशी एज इट्स कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टेको को, को भारत का अपना देश निदेशक नियुक्त किया है फ्रेंड्स एडीबी के प्रेजिडेंट है माशाद शुगु आसकावा और एडीबी उन्नीस दिसंबर उन्नीस सौ छियासठ में फॉर्म हुआ था अगर हम इनके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं सभी बैंक से काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक है वाशिंगटन डी सी में जो इसका हेडक्वार्टर्स है एशियन डेवलपमेंट है मनीला इन फिलीपींस, ठीक है ये मंडलोंग भी मनीला में ही है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है संघाई इन चाइना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है बीजिंग इन चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द एफ वन टन ग्रांड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन एफ वन टस्कन ग्रांड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी लुइस हैमिल्टन ने जीता है ठीक है और ये हुआ था मोगेलो सर्किट इन जो कि इटली में है फ्रेंड्स ये तीन जो रेसर हैं रे, रेसिंग ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन मैक्स वर्स्टेपन और वेल्टरी बोटास ये तीनों ही आपस में जीतते रहते हैं ज़्यादातर रेसेस ये ही जीतते हैं तो इन पूछा जा सकता है इनके बारे में तो जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटिश ओरिजिन के हैं मतलब ब्रिटिश हैं ये और मर्सिडीज़ के लिए ये रेसिंग करते हैं मैक्स वर्टेपन बेल्जियम से हैं जो कि बुल के लिए रेसिंग करते हैं वाल्टरी बोटास फिनलैंड के हैं जो कि मर्सिडीज के लिए रेसिंग करते हैं फ्रेंड्स एसएससी में एक क्वेश्चन एक पूछा गया है कि सिल्वर स्टोन किसके लिए फेमस है ठीक है तो ये एक मोटर रेसिंग सर्किट है जो कि इंग्लैंड में है ये फैक्ट आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड अम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है पेटीएम फर्स्ट गेम जो है वो एक गेमिंग ब्रांच है पेटीएम की जो कि क्रिकेट कबड्डी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल जैसे गेमिंग जैसे स्पोर्ट्स को गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सतासी लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वाई एस आर आसरा योजना की शुरुआत की है ठीक है इसमें लोन कुछ लोन में छूट दी जाएगी कुछ वेवर किया जाएगा इससे जुड़ी ये योजना है और आपके आपके लिए मैंने यहाँ पर अदर स्कीम्स भी दी हैं जो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है तो डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये स्कीम किस स्टेट से रिलेटेड है तो आप बता सकते हैं जैसे कि वाई संपूर्ण पोषण योजना वाई एस जहाँ भी दिखेगा वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड स्कीम है अम्मा वोदी स्कीम और जगन्ना विद्या दीवेना वसथि दीवेना स्कीम है।, है ना ये सभी स्कीम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है हम इनको नोट डाउन कर सकते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन फ्रेंड्स नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे ठीक है और नीलम संजीवा रेड्डी ही भारत के यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके थे नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑफ हाई लेवल फोरम ऑन द कल्चर ऑफ पीस हेल्ड रिसेंटली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर ठीक है हाल ही में आयोजित शांति की संस्कृति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय फोरम का चौहत्तरवा सत्र अभी संपन्न हुआ है ठीक है फ्रेंड्स और इसका थीम रहा है द कल्चर ऑफ पीस चेंज अवर वर्ल्ड फॉर द बेटर इन द एज ऑफ कोविड नाइन्टीन इस बार ज्यादातर थीम्स जो हैं कोविड नाइन्टीन पर ही बेस रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश खुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है भारत द्वारा ठीक है फ्रेंड्स और ये हाल ही में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर उनके चीफ सेक्रेटरी हैं ये और ये नवंबर में वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करेंगे इनका जो कार्यकाल रहेगा वो तीन साल तक का रहेगा ये इंडिया बांग्लादेश भूटान और श्रीलंका को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड बैंक में 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं ठीक है जो कि डिफरेंट कंट्रीज या कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इंटू अ बैंक अश्योरेंस टाई अपंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन आई सी आई सी जनरल इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है आई सी आई सी जनरल इंश्योरेंस के सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में ठीक है और जो यस बैंक है इसका हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है और यस बैंक के सी ई प्रशांत कुमार फ्रेंड्स बैंक का श्योरेंस का मतलब होता है कि जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के थ्रू अपने लाइफ एश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचती है तो उसको बैंक एश्योरेंस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन समीर कुमार खरे हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है ठीक है यह भारत के द्वारा नियुक्ति की गई है इनका भी कार्यकाल तीन साल का होगा और इनके हेडक्वार्टर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं विच स्टेट हैज अकोर्डेड एम्बुलेंस स्टेटस टू द वहीकल्स कैरिंग मेडिकल ऑक्सीजन फॉर वन ईयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री महाराष्ट्र राज्य ने एक वर्ष के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि हॉस्पिटल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई समय पर हो सके कई स्टेट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है जिसका बुरा असर कोविड 19 से संक्रमित लोगों के इलाज पर पड़ रहा है महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई फ्रेंड्स महाराष्ट्र जून के महीने में भी चर्चा में रहा अपने प्रोजेक्ट प्लेटिना के कारण जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल कहा गया था साथ ही महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे इन्होंने माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन भी लॉन्च किया इस इस प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य कर्मी हर एक घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे उसी हिसाब से आगे की सलाह लोगों को दी जाएगी महाराष्ट्र जिन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं कर्नाटक गोवा तेलंगाना छत्तीसगढ़ गुजरात मध्य प्रदेश दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड फ्रेंड्स दियर एंड नागर हवेली एंड एंड दमन अब एक ही यूनियन टेरिटरी है नेक्स्ट क्वेश्चन विच मल्टी द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द न्यू इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन टाटा ग्रुप ने नए भारतीय संसद भवन के निर्माण का जो है कॉन्ट्रैक्ट जीता है ठीक है इनको यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट ने 861 करोड़ रुपए की बिड इस प्रोजेक्ट के लिए सबमिट की है फ्रेंड्स सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय संसद भवन कॉमन केंद्रीय सचिवालय और तीन किलोमीटर लंबे राजपथ को रीडेवलप किया जाएगा नया संसद भवन इसी सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है जिसमें 922 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा संसद भवन के साइड में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गुजरात बेस्ड एच सी पी डिजाइन इस कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है फ्रेंड्स अगर आपको हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो एक लाइक like जरूर किया कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन द यूएस हैज साइंड अ फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस कोऑपरेशन विद विच कंट्री द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर अमेरिका ने मालदीव्स के साथ रक्षा सहयोग के लिए एक रूपरेखा रेखा पर हस्ताक्षर की हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड मालदीव ने यह डिफेंस कॉपरेशन इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए किया है इंडियन ओशियन प्लस वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन का पूरा वाटर एरिया इंडो पैसिफिक कहलाता है इंडिया एंड मालदीव्स भी हाल ही में खबरों में रहे इंडिया ने मालदीव को 500 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड कराया है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट साथ ही इंडिया मालदीव के अद्दू अटोल टूरिज्म को भी विकसित करेगा तो ये अद्दू अटोल आपको याद रखना है कि किस कंट्री का हिस्सा है नेक्स्ट क्वेश्चन आर्कोलॉजिकल रीच साइट सिनोली विच हैज गोट नेशनल इंपोर्टेंस टैग इज सिचुएटेड इन विच स्टेट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर पुरातात्विक समृद्ध स्थल सिनोली जिसे कि राष्ट्रीय महत्व का टैग दिया गया है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है ठीक है फ्रेंड्स 2018 में एस के मंजूल द्वारा ये साइट खोजी गई उत्तर प्रदेश के बागपत में ये सिनोली एरिया पड़ता है यहाँ पर 4000 साल पुराने पुरातत्व आइटम्स पाए गए हैं फ्रेंड्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने ही यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने ही इसे नेशनल इम्पोर्टेंस टैग दिया है अब इस 28 हेक्टेयर एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा हालांकि किसान खेती कर सकेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी साइंड साइंसू विपिड एजी फॉर मैगलेव ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू बी एच ने भारत में मैगलेव ट्रेन परियोजनाओं के लिए स्विस रैपिड एजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड्स मैगलेव का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन ये कन्वेंशनल ट्रेन जिनमें की व्हील्स होते हैं उनसे अलग होती है इसमें रिपेलिंग मैग्नेट्स के कारण ट्रेन ट्रैक के ऊपर फ्लोट करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ टाइटन टू लॉन्च कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट सर्विस कॉल्ड टाइटन पे थ्रू वॉचेस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन ठीक है एस तो, बी ने टाइटन के साथ टाइटन पे नामक संपर्क रहित भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए साझेदारी की है इस, इस सर्विस का जो फायदा है वो योनो ऐप पर रजिस्टर करके ग्राहक उठा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज पार्टनर्ड विथ कोर्सेरा टू लॉन्च सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा के साथ फेसबुक ने भागीदारी की है तो फेसबुक इसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ठीक है इसको फ्रेशर भी कर सकते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज साइंड एन एमओयू विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी टू डेवलप द एम एस एम ई इकोसिस्टम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन राजस्थान ने एमएसएमई इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड्स सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और ये दो अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया था सिडबी के चेयरमैन और एमडी हैं मोहम्मद मुस्तफा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र और यहाँ की कैपिटल है जयपुर नेक्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम हैज साइंट इट्स फर्स्ट पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड पैक्ट विद विच कंट्री द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री यूनाइटेड किंगडम ने जापान के साथ अपने पहले पोस्ट ब्रेक्सिट व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड्स ब्रेक्सिट का मतलब आपको मालूम होगा ब्रिटिश प्लस एक्सिट यूके ने ईयू से यानी यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए 2016 में एक रेफरेंडम कराया था जिसमें बावन प्रतिशत लोग ब्रेक्सिट के फेमर हुए थे यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है यूनाइटेड किंगडम के पीएम है बोरिस जॉनसन नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज क्रिएटेड स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स दैट कैन अरेस्ट एनिवन सेंस वॉरेंट फ्रेंड्स यहाँ पर सेंस का मतलब होता है के बिना ठीक है तो यहाँ पर ये भी आपकी एक वोबलरी भी आपकी कवर हो गई सेंस सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री उत्तर प्रदेश राज्य ने विशेष सुरक्षा बल बनाया है जो कि किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है ठीक है और जो ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है इनकी जो पावर है वो सी की बराबर ही मानी जा रही है इसको उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2020 के अंडर बनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑथर्ड द बुक आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर ठीक है जो ये बुक है आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन इस बुक को अरुंधति रॉय ने लिखा है ठीक है इनका एक नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है किसको इसके ऑथर कौन है और इसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइस भी मिला था उन्नीस में एक और इनका नॉवल है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये दोनों ही नॉवल काफी इंपॉर्टेंट है एस और रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सदाशिव राव जी हु रिसेंटली पासड अवे वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री सदाशिव राव जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे इन्होंने अपना एक टेस्ट खेला था इंडिया के लिए वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1955 में ये महाराष्ट्र रणजी जो टीम थे उसके भी कैप्टन रह चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडी ग्रिड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री ज्योति कुमार अग्रवाल जो हैं इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट या इंडीग्रिट के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज लॉन्च नाइन सैटेलाइट इन टू स्पेस फ्रॉम एन ओशियन प्लेटफॉर्म इन द येलो सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन ठीक है चाइना ने पीले सागर में एक महासागर मंच से नौ उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला ये तीसरा देश बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया के बाद इसने ये जो अपना लॉन्च किया है ये लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट के थ्रू को यूज करके लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड बैंबू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है इस साल वर्ल्ड बैंबू डे 2020 का थीम रहा है बेंबू नाउ बेंब्बू को ग्रीन गोल्ड या पुअर मैं टिम्बर भी कहते हैं ग्रीन गोल्ड वाला क्वेश्चन तो एस एस सी एंड रेलवे में भी पूछा गया है ग्रीन गोल्ड इसे क्यों कहते हैं क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में इसकी महत्वता और डिमांड समय के साथ साथ बढ़ रही है फ्रेंड्स यहाँ पर बेंबू की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये एग्जाम में आपके काम आएगी यहाँ से दो तीन क्वेश्चन ईजिली बन सकते हैं आसाम की एक फेमस हैट होती है जिसका नाम है जापी ये भी बांस की बनी होती है ऐसे ही मिजोरम की हैट होती है खूब्यू ये भी बांस की बनी होती है चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बेंबू कल्टीवेटर है 2017 में गवर्नमेंट ने बेंबू को ग्रास की कैटेगरी में रख दिया था पहले यह ट्री कैटेगरी में आता था एग्जाम में आ जाता है कि बम्बू क्या है ट्री या ग्रास या फिर स्क्रब ठीक है स्फूर्ति इस स्कीम इस बेंबू आर्टिसन से रिलेटेड है स्फूर्ति का मतलब है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एम एस एम ई द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल मिशन 2006 में शुरू किया गया था जिसे 2018 में रिस्ट्रक्चर करके फिर से लागू किया गया हाल ही की अगर करंट न्यूज देखें तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बेंबू एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नाइन स्टेट्स में 22 टू क्लस्टर्स लॉन्च किए इन क्लस्टर्स में बेंबू प्लांटेशन एंड बेंबू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे कार्य किए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज इनिशिएटेड अ प्रोब इनटू द डंपिंग ऑफ विटामिन सी फ्रॉम विच कंट्री द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन ठीक है भारत ने चाइना देश से विटामिन सी के कथित डंपिंग की जांच की शुरुआत की है देखिए इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो एक टर्म होती है डंपिंग मान लीजिए भारत में किसी आइटम का प्राइस सेवेंटी रुपीज़ है लेकिन चाइना उसे इतने कम रेट में एक्सपोर्ट कर रहा है कि उसकी जो कीमत है भारत में फोर्टी रुपीज हो जाती है तो इससे जो घरेलू व्यापार है उसे घाटा होता है क्योंकि हमारी लोकल आइटम्स महंगी बन जाती है इसे डंपिंग कहते हैं इस तरह के मामलों की जांच की जाती है अगर डंपिंग का केस सही पाया जाता है तो उस आइटम के आयात पर टैरिफ लगाकर उसे घरेलू जो घरेलू आइटम है उसके बराबर या उसके आसपास के रेट तक लाया जाता है ठीक है जिससे कि एक कंपटीशन बना रहता है ट्रेड जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी डीजीटीआर भारत में इस तरह की डंपिंग केसेस की जांच करता है नेक्स्ट क्वेश्चन ज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एन टी आर ओ देशान संगठन एन टी आर ओ के प्रमुख के रूप में अनिल धस्माना जी को नियुक्त किया गया है एन टी आर ओ एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एन एस सी के अंडर काम करती है ये दो हजार चार में सेटअप की गई न्यू डेली में इसका हेडक्वार्टर है इसके पास कई सैटेलाइट के डेटा का प्रयोग करने की अनुमति होती है यह भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करती है नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट हैज परमिटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ डी आई ऑफ अप टू वट परसेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द डिफेंस सेक्टर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम चौहत्तर प्रतिशत तक की अनुमति दी है एफ डी आई अंडर ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे करने के लिए गवर्नमेंट या आर बी आई की इजाजत नहीं लेनी पड़ती अब तक डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू फोर्टी नाइन परसेंट एफ डी आई है जो कि अब सेवेंटी फोर परसेंट कर दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंस्टिट्यूशनलाइज स्नेक हैंडलिंग इन इंडिया द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन ठीक है केरल राज्य भारत में सांप से निपटने के लिए संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य बन गया है देखिए केरला में कई केसेस ऐसे आ रहे हैं जहां पर सांप पकड़ने वालों की मृत्यु हो रही है क्योंकि या तो वे सर्टिफाइड कैचर नहीं है या उनका मेथड सही नहीं है इसी को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने कुछ गाइडलाइंस स्नेक हैंडलिंग के लिए जारी की है इनको आप देख सकते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जिबूती डज नॉट शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद विच कंट्री द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जिबूती सूडान के साथ अपनी लैंड बॉर्डर साझा नहीं करता है देखिए हाल ही में इंडिया को जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है इसे जेद्दा अमेंडमेंट भी कहते हैं कुल 18 सदस्य इसमें है ये 2009 में सेटअप किया गया था इसका मकसद वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन गल्फ ऑफ अडेन एंड रेड सी में पायरेसी रोबरी या लूट की घटनाओं पर लगाम लगाना है मैप से आप देख सकते हैं जिबूती केवल तीन कंट्रीज से लैंड बॉर्डर शेयर करता है सोमालिया इथोपिया एंड एरिट्रिया ठीक है यहां से आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो लॉन्च आई ए टी एस फॉर सिग्नलिंग सिस्टम द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन ठीक है दिल्ली मेट्रो ने सिग्नलिंग सिस्टम के लिए आई ए टी एस लॉन्च किया है यहां पर सिग्नलिंग की स्पेलिंग देखना? यही स्पेलिंग होती है में आपसे पूछा जा सकता है जो स्पेलिंग गलत है या सही है ठीक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है उसमें आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन देखिए ए टी एस का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो कि ट्रेन ऑपरेशंस को मैनेज करता है भारत इस सिस्टम या टेक्नोलॉजी के लिए यूरोपियन यूनियन या जापान पर डिपेंड रहता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अब यह सिस्टम डेली मेट्रो द्वारा बनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक 116 है ठीक है और ये पूरा जो डेटा लिया गया है ये एजुकेशन एंड हेल्थ इन दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है एक कंट्रीज को इसमें पार्टिसिपेट किया गया है ठीक है और वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट हैं डेविड मेलपास और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी इन यूनाइटेड स्टेट्स भारत ने अपना स्कोर इंक्रीज किया है अगर 2018 की बात करें तो 2018 में 0.44 था और अब इसका स्कोर रहा है 0.49 नेक्स्ट क्वेश्चन हु लॉन्च प्रोजेक्ट डिग्निटी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन केवीआईसी ने प्रोजेक्ट डिग्निटी को लॉन्च किया है केवीआईसी मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ठीक है इसमें देखिए आप एक साइकिल देख पा रहे हैं इसकी कॉस्ट अट्ठारह हजार है तो इसमें स्टोव गैस स्टोव लगा है गैस सिलेंडर है ठीक है ऊपर छाता भी एक दिया है यूटेंसिल्स कंटेनर सुगर कप्स ये सभी इसमें रखे जा सकते हैं ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की और एक कदम बताया जा रहा है सरकार द्वारा ठीक है इसमें आप इसमें जो लोग हैं वो चाय वगैरह बेच सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कपिला वत्सएन हु पास अवे रिसेंटली वॉज द रिसिपियंट ऑफ विच अवार्ड तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री कपिला वत्सैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे पद्म विभूषण पुरस्कार की प्राप्त करता थी ठीक है देखिए काफ़ी एमिनेंट स्कॉलर रही हैं इंडियन क्लासिकल डांस आर्ट एंड एग्रीकल्चर की सॉरी आर्किटेक्चर की 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की फाउंडिंग मेंबर भी रही हैं काफी फेमस रही हैं ये तो यहां से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है काफी संभावनाएं है विच सिटी टॉप्ड द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 ट्वेंटी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर नंबर वन पर रहा है ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है तैयार की गई है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इन कोलाबरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ठीक है इसमें जो भारतीय है, सिटीज़ हैं जो भारत के शहर हैं इनकी रैंक पहले के मुकाबले गिरी है जैसे हैदराबाद की अब एट्टी फिफ्थ पोजिशन है ठीक है जबकि दो में सिक्सटी थी न्यू डेली की एट्टी है और मुंबई की नाइन्टी है और बेंगलुरु नाइन्टी है तो यहां पर इंडियन सिटीज की रैंकिंग इसमें गिरी है हु हैज बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आफ्टर हरसिमरत कौर बादल रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर हरसिमरत कौर बादल के पद से इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार नरेंद्र सिंह तोमर जी को सौंपा गया है अब इनके पास तीन मंत्रालय हो गए हैं ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ठीक है और आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल ने सरकार द्वारा किसानों से जुड़े बिल संसद में लाए जाने का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था इन बिल्स को लेकर हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा हाल ही में किए गए कार्यो की चर्चा करें तो इन्होंने किसान रथ ऐप लॉन्च की थी जिसका मकसद लॉकडाउन के दौरान किसानों और व्यापारियों के जो कृषि सामान है उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल प्रोवाइड कराना रहा साथ ही इन्होंने 117 नई मंडियों को ई नैम से जोड़ा नैम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इन्होंने कृषि मेक को भी लॉन्च किया जो कि एक डेटा रिकवरी सेंटर है बेंबूू से बनने वाले आइटम्स के लिए इन्होंने नाइन स्टेट्स में ट्वेंटी टू बेंबू क्लस्टर्स भी लॉन्च किए नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के लिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके स्टेशन रहेंगे पलवल टू सोनीपत सोना मानेसर खरकौड़ा ठीक है ये होगा पलवल से शुरू होगा और इसका जो एग्जिट एग्जी एग्जिटिंग एक्जि, पॉइंट होगा वो होगा हरसाना कलन स्टेशन यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत सिंह चौटाला और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ हरियाणा जिन राज्यों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश पंजाब एंड डेली हरियाणा जिन खबरों के लिए हाल ही में न्यूज में रहा उन्हें भी देख लेते हैं हरियाणा सीएम ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया जो जिसमें कि एक डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराया जा रहा है साथ ही हरियाणा ने मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना भी शुरू की है हर सर हेलमेट कैंपेन भी हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपका मित्र व्हाट्सएप चैट बॉक्स भी हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है ये सभी करंट अफेयर्स आपके पिछले महीनों के हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसलिए इनको याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन फर्स्ट ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री फर्स्ट ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में मिजोरम राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है देखिए ये रिपोर्ट रिलीज की है प्रोफेसर राजेश के पिल्लनिया ने ठीक है इसमें सभी 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया है फ्रेंड्स मिजोरम की राजधानी आइजोल है ठीक है और मिजोरम बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है साथ ही मणिपुर आसाम एंड त्रिपुरा के साथ भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है यहां के सीएम है जोरा और गवर्नर है पी एस श्रीधरन पिल्लई नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन फॉर वट पीरियड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर भारत को चार वर्ष यानी 2021 से 2025 के लिए यूनाइटेड नेशन के महिला आयोग स्थिति के सदस्य के रूप में चुना गया है इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को ही इसमें चुना गया है जिन्होंने चाइना को इसमें बीट कर दिया ठीक है और आपको बता दें कि इंडिया इसके अलावा दो और बॉडीज में चुना गया है जिनका नाम है कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन यानी सी एंड कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट यानी सी पी डी देखिए ये तीनों ही कमीशन जो है वो इकोसोक के पार्ट हैं जो आपको दिख रहा है ई सी ओ एस ओ सी ठीक है इकोसोक इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है ठीक है ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर जम्मू एंड कश्मीर ने बैकवर्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू किया है इस प्रोग्राम के तहत कम से कम तीन फलों के पौधे किसानों को 90 परसेंट सब्सिडी पर दिए जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा यहाँ की कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर ठीक है फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए साथ ही जम्मू एंड कश्मीर ने हाल ही में स्पैरो सिस्टम भी लॉन्च किया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स अपनी अप्राइजल रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकें यह हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था इसलिए आप पिछली वीडियो जरूर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एस बी आई जनरल इंश्योरेंस

इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है फ्रेंड्स यस बैंक हाल ही में भी न्यूज में रहा क्योंकि आईसीआईसीआई लोमबार्ड ने यस yes बैंक के साथ बैंक श्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है ठीक है बैंक अश्योरेंस का मतलब क्या हुआ जो आईसीआईसीआई की जो पॉलिसीज हैं उनको यस yes बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा ठीक है यस बैंक के थ्रू अब ये पॉलिसीज बेची जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोमिस्ड लैंड इज अ मेमोआर ऑफ विच फॉर्मर यूएस प्रेजिडेंट दैक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री बराक ओबामा जी का ये एक संस्मरण है ठीक है फ्रेंड्स इसको मेमोइ कहते हैं इसको मेमोआर कहते हैं ठीक है थीके? ये प्रोनाउंशियेशन आप याद रखना और ये पच्चीस लैंग्वेज में जारी की जाएगी और इसका जो इनोग्रेशन होगा वो सत्रह नवम्बर दो हजार बीस में होगा बराक ओबामा के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी से रहे हैं और फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट ये रहे हैं ये चवालीसवें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के इनकी दो और फेमस बुक्स हैं जिनके नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर एंड द ऑर्डर सिटी ऑफ होप ये जो दूसरी बुक है ये काफी इंपॉर्टेंट है एक तो एग्जाम में पूछी भी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन हु लॉन्च द नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ मनोज सिन्हा ने किया है जो कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ठीक है लैंड की जो खरीद फरोख्त के रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अब ऑनलाइन कर दिया गया है साथ ही ई स्टाम्स भी यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन पार्लियामेंट पास्ट बिल टू कट सैलरीज ऑफ एम पीज बाय वट परसेंट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री ठीक है भारतीय संसद ने सांसदों के वेतन में थर्टी परसेंट की कटौती की है ठीक है ये दो बिल इसमें पास हुए थे सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल और दूसरा बिल रहा सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स बिल ट्वेंटी ट्वेंटी दोनों ही बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुके हैं ठीक है इसमें थर्टी परसेंट इनकी सैलरी कटेगी एक साल के लिए यानी फिलहाल जो इनको सैलरी मिलती है वो वन लाख है और अब कट कर मिलेगी इन्हें सत्तर हजार ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टेक्स हैम्बेसडर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टेक्स ने सुरेश रैना को अपने ब्रांड अम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना हाल ही में और भी अम्बे, ब्रांड अम्बेसडर बने हैं किसके डब्ल्यू टी एफ स्पोर्ट्स के इन्होंने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं इन दोनों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेस्डर बनाया है ठीक है यह पिछले महीने का करंट अफेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ हेल्पलाइन कॉल्ड सेहत एवं पोषण साथिनवास टू इंश्योर चिल्ड्रन अंडर सिक्स इयर्स गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उचित पोषण और टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सेहत एवं पोषण साथी निवास नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है ठीक है और यह हेल्पलाइन आप देख सकते हैं जीरो वन वन फोर डबल वन नाइन थ्री नाइन जीरो थ्री और इसको लॉन्च किया गया है इंडस एक्शन एनजीओ के साथ मिलकर और इसे लॉन्च किया है डेली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे पहले ये भी देख लीजिए दिल्ली से जुड़ा अगर हम और करंट अफेयर देखें तो इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा भी न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था ठीक है तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किस सिटी में लॉन्च हुआ तो आंसर होगा न्यू दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन Who has been named by the United Nations to the 2020 cohort of young leaders for the Sustainable Development Goals? The correct answer is option one. ऑप्शन डेवलपमेंट गोल्स के लिए युवा नेताओं के 2020 समूह के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा उदित सिंगल को नामित किया गया है ठीक है ये फाउंडर हैं ग्लास टू सेंडगे जो कि एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑथर्ड ब्लैंड फेनेटिक्स लिबरल्स रेस एंड एम्पायर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर ठीक है इस बुक को लिखा है पंकज मिश्रा नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर जर्मनी के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया है ठीक है और ये इतना छोटा है कि जो हमारे जो हमारे बाल होते हैं उनसे भी आप सौ गुना छोटा मान लीजिए इतना छोटा ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर है टेंथ मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन नेशनल सिक्योरिटी इज चेयर्ड बाय विच कंट्री द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की दसवीं बैठक की अध्यक्षता रशिया ने की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने इस ब्रिक्स मीटिंग में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया इंडिया रशिया एंड चाइना तीनों ही देश ब्रिक्स एस यानी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर यानी रशिया इंडिया चाइना इन ग्रुप्स के मेंबर कंट्रीज हैं इस साल ब्रिक्स और एस की मेजबानी रशिया कर रहा है ब्रिक्स के पांच मेंबर्स हैं ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक का मेंबर बना और तभी से इसे ब्रिक्स बोला जाता है इससे पहले ब्रिक बोला जाता था ब्रिक्स शब्द जिम ओ द्वारा कॉइन किया गया कहा यह भी जाता है एक्चुअली में ब्रिक्स शब्द रूपा पुरुषोत्तम ने कॉइन किया था वहीं अगर एस की बात करें तो ये अलायंस 15 जून 2001 में बना इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने एस के आठ सदस्य हैं चाइना इंडिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान पाकिस्तान रशिया ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। रेट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यह भी एस का ही एक पार्ट है फ्रेंड्स हाल ही में एस में डिफेंस लेवल की डिफेंस मिनिस्टर्स लेवल की और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग्स हुई हैं तो ये सभी रशिया में हुई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अदे एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री अड अदे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोमालिया में स्थित है देखिए यहाँ की कैपिटल मोगिशु में एक कार्गो विमान क्रैश हुआ है ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके को कवर करता है ठीक है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्गो विमान है ये क्रैश हुआ है बल्कि इसलिए कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैपिटल याद होनी चाहिए ठीक है तो सोमालिया की कैपिटल क्या हो गई मुगदिशु फर्स्ट पार्ट तो ये कवर हो गया इस क्वेश्चन से और सेकंड जो मैप में आप ईस्ट अफ्रीका में ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं ना इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं ठीक है दूसरे मैप में देखिए इसमें चार कंट्रीज आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यथोपिया एरिट्रिया जिबूती एंड सोमालिया नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और 1981 में इस दिन को मनाना शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2020 का जो थीम रहा है वो रहा है सेपिंग पीस टुगेदर। थीम जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में तो ये याद रखना यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंथोनियो गोथ्रेस। फ्रेंड्स एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था चार ऑप्शन दे दिए गए थे और जिनमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल्स के नाम दिए गए थे जो पूर्व में सेक्रेटरी जनरल्स दे दिए रह चुके हैं और उन्हीं के साथ में एंथोनियो गोथ्रेस का नाम भी दिया गया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सेक्रेटरी जनरल किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है ठीक है तो उसका आंसर होना था एंथोनियो गोत्र क्योंकि ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उन्नीस से दो, दो तक नेक्स्ट क्वेश्चन हु लॉन्च आर्थिका स्पंदना प्रोग्राम द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर आर्थिका स्पंदना कार्यक्रम कर्नाटक के सीएम बी एस येद्यूरपा द्वारा चलाया गया है ठीक है देखिए ये एक लोन डिसबर्सिंग स्कीम है वर्थ रुपीज थर्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड करोड़ ओके कर्नाटक के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और कैपिटल है यहाँ की बेंगलुरु कर्नाटक जिन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं गोवा महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एंड केरला ये इकलौता ऐसा साउथ स्टेट है जो कि बाकी के चारों साउथ स्टेट से लैंड बॉर्डर शेयर करता है नेक्स्ट क्वेश्चन अमिताभ घोष हुटली पास अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच बैंक जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो आरबीआई से जुड़े हुए थे एक्चुअली ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे हैं 21 जनवरी 1982 से 20 जनवरी 1987 तक बीच में एक समय ऐसा आया था जब आरबीआई में गवर्नर पोस्ट खाली थी वहां पर अभी तब नियुक्ति नहीं हो पाई थी तब इन्होंने गवर्नर गवर्नरशिप का कार्यभार संभाला था तो ये केवल 21 दिन के लिए ही आरबीआई के गवर्नर रहे और ये अब तक का शोर्टेस्ट कार्यकाल रहा है किसी भी गवर्नर द्वारा ठीक है हालांकि इसके बाद फिर से ये डिप्टी गवर्नर बन गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 2020 ट्वेंटी एशिया गेम चेंजर अवार्ड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से विकास खन्ना जो कि काफ़ी फेमस सेफ हैं इन्हें सम्मानित किया गया है ठीक है देखिए इन्होंने जब कोविड 19 शुरू हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ तो कई ऐसे लोग जो भूखे पेट थे उनको राहत सामग्री पहुंचाई, उनको खाना पहुंचाया, ठीक है उनके लिए सभी अरेंजमेंट किए तो इस वजह से इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनके अलावा पांच और लोगों को यह अवार्ड मिला है फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है टोटल तो, 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 तो आंसर तो होगा सिक्स ठीक है क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है और यह अवार्ड कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है एशिया सोसाइटी ठीक है जो कि एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच एयरपोर्ट बिकेम फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड विद द कोविड नाइनटीन फाइव स्टार एयरपोर्ट रेटिंग टू कोविड नाइनटीन फाइव स्टार एयरपोर्ट रेटिंग के साथ प्रमाणित होने वाला जो हवाई अड्डा बना है पहला वो है रोम फ्योमेसिनो एयरपोर्ट जो कि इटली में है और ये रेटिंग दी गई है स्काई ट्रैक्स द्वारा ठीक है जो कि एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग एजेंसी है फ्रेंड्स इन्होंने लॉकडाउन के दौरान Uh, काफी अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है साफ सफाई इन्होंने काफी अच्छे से की है इसी बेसिस पे इनको कोविड 19 फाइव स्टार एयरपोर्ट रेटिंग दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन विच एम्स हैज सेटअप अ प्लास्टिक बैंक टू रिसाइकल इट्स वेस्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर एम्स ऋषिकेश ने अपने कचरे को रिसाइकिल करने के लिए प्लास्टिक बैंक की स्थापना की है एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में आता है ठीक है जो कि मेरा भी होम स्टेट है ठीक है और एम्स ऋषिकेश सी एस आई आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून इनके साथ मिलकर इस प्लास्टिक बैंक को स्थापना करेगा ठीक है यहाँ से क्या होगा जो भी इनका वेस्ट है वो रिसाइकल किया जाएगा सी एस आई आर में ठीक है और उसके बाद पेट्रोल डीजल यहाँ से बनाया जाएगा इस वेस्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन च स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अनवेल एथिकल ए आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक चैन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन इंडिया द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू ठीक है तो तमिलनाडु राज्य है जिसने कि भारत में एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक चैन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को लॉन्च किया है ठीक है और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं ई के पलनीस्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई तमिलनाडु के, चेन तमिल के उप मुख्यमंत्री का नाम है ओ पनीर सेल्वम ठीक है और तमिलनाडु जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी नेक्स्ट क्वेश्चन हु चेयर्स द एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोब रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज सर्विलेंस ऑन इंडियंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन भारतीयों पर चीनी निगरानी की रिपोर्ट की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता राजेश पंत करेंगे देखिए हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर द्वारा ये खुलासा किया गया था कि एक चाइनीज कंपनी जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है इसने दस हजार भारतीयों पर जासूसी की है ठीक है यानी मॉनिटरिंग की है तो इसी मुद्दे को समझने और इसके दुष्प्रभावों को जानने के लिए सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई है कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद मनमोहन सिंह उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी ममता बनर्जी अमरिंदर सिंह इन सभी पर निगरानी रखी जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम अपना घर ड्रीम्स इज लॉन्च बाय विच होम फाइनेंस कंपनी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू किफायती आवास योजना जिसका नाम है अपना घर ड्रीम्स इसे आईसीआईसीआई होम फाइनेंस द्वारा लॉन्च किया गया है देखिए कंपनी की यह स्कीम स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है ठीक है ऐसे कामगार जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो घर खरीदने के लिए दो लाख रुपए से पचास लाख रुपए तक का लोन अब ले सकते हैं इस स्कीम में पेन आधार और लास्ट सिक्स मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट होती है केवल वो दिखानी पड़ेगी और पांच लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक ज क्रिएटेड अ न्यू वर्टिकल एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर बंधन बैंक ने एक नया वर्टिकल बनाया है जिसका नाम है एमर्जिंग एंटरप्रेनोर्स बिजनेस फ्रेंड्स वर्टिकल का मतलब हुआ कि ऐसा स्ट्रक्चर जो केवल स्पेसिफिक कामों के लिए बनाया जाए जैसे बंधन बैंक ने माइक्रो बैंकिंग डिविजन माइक्रो होम लोन एंड माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स के लिए ये वर्टिकल बनाया है बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष अ डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑप्शन टू भारत और मालदीव के बीच एक सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है फ्रेंड्स मानसुख मांडविय के पास मिनिस्ट्री ऑफ सीपिंग का स्वतंत्र राज्य प्रभार है यानी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ सीपिंग में इन्होंने ही इस फेरी सर्विस को लॉन्च किया है ये फेरी सर्विस शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट की जा रही है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर्स मुंबई में है ये कार्गो फेरी सर्विस भारत के थुथुकुड़ी और कोचिन पोर्ट्स को मालदीव्स के कुलहूथुफी एंड माले पोर्ट से कनेक्ट करेगी मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ के प्रेजिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलित और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रूफिया अगर इंडिया मालदीव से जुड़े प्रीवियस करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडिया मालदीव के अदु अटोल के फाइव आईलैंड को टूरिज्म जोन बनाने के लिए हेल्प करेगा अदु अटोल याद रखना मालदीव का पार्ट है साथ ही त्रिपुरा राज्य के सोनामुरा पोर्ट और बांग्लादेश के दाउद कंडी के बीच वेसल सर्विस भी हाल ही में शुरू की गई थी सोनामुरा पोर्ट याद रखना यहां पर ठीक है ये त्रिपुरा में है ये मैंने आपको इसलिए रिवाइज कराया है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका फेरी सर्विस हो गया मालदीव इंडिया के बीच और एक क्वेश्चन ये हो गया वेसल सर्विस बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड टू पॉइंट जीरो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री कैनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड टू पॉइंट जीरो को लॉन्च किया है आई लीड टू पॉइंट जीरो का मतलब है इंस्पायरिंग लीड सिस्टम टू पॉइंट जीरो केनरा बैंक ने अपनी सर्विसेज को न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए यह सिस्टम लॉन्च किया है इसी से जुड़ा एक और करंट अफेयर्स देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम है आई स्टार्टअप टू पॉइंट जीरो ये करंट अफेयर हमने अपनी दस सितंबर वाली वीडियो में भी कवर किया है नेक्स्ट क्वेश्चन एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस साइंसोरेंस एग्रीमेंट विद विच बैंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है फ्रेंड्स बैंक अश्योरेंस का मतलब होता है कि कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ एक करार कर लेती है ठीक है और बैंक के कस्टमर्स को अपना लाइफ एश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैंक के कस्टमर्स को बेचे जाते हैं ठीक है इसमें बैंक इनकी हेल्प करता है एस लाइफ इंश्योरेंस और यस yes बैंक दोनों के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे पहले ये भी पिछला करंट अफेयर्स देख लीजिए आईसीआईसीआई लोमबार ने भी बैंक का पैक्ट साइन किया था यस बैंक के साथ ठीक है तो ये दोनों बैंक आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च घर तक फाइबर स्कीम इन विच स्टेट ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है ठीक है इस स्कीम के तहत पैंतालीस हजार नौ सौ गांव बिहार के इन्हें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस के थ्रू जोड़ा जाएगा ठीक है और टारगेट रहेगा हंड्रेड हंड्रेड डेज के अंदर अंदर ठीक है बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुशील मोदी और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान फ्रेंड्स बिहार जिन राज्यों से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे हैं उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल एंड झारखंड और नेपाल के साथ भी ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है फैक्ट याद रखना ऐसे में पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंग रीटा शेरपा द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट टेन टाइम्स विदाउट बॉटल्ड ऑक्सीजन पास अवे विच कंट्री डिड ही बिलोंग द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर एंग रीटा शेरपा ठीक है जो कि बिना ऑक्सीजन के दस बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये नेपाल के नागरिक थे ठीक है फ्रेंड्स अच्छा ये सबसे पहले उन्नीस में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है कितनी 8848 मीटर ठीक है ये पूछा जाता है एग्जाम्स में और उन्नीस में ये दसवीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े नेपाल की कैपिटल है काठमांडू यहाँ के जो पी एम है वे है के पी शर्मा ओली और यहां की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और नेपाल की करेंसी है नेपालीज रूपी नेक्स्ट क्वेश्चन हु आई जी नोबेल प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर मेडिकल एजुकेशन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स आईजी नोबेल पुरस्कार एक सेटारिकल या पेरोडी फॉर्म है इंटरनेशनल का ये हर साल 10 या महत्वहीन वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए दिया जाता है इस प्रकार को इस पुरस्कार को इम्प्रोपेबल रिसर्च मैगजीन द्वारा प्रदान किया जाता है हालांकि ये सिर्फ हंसी मजाक से जुड़ा है और इसे गंभीरता से भी कोई नहीं लेता है मोदी जी से पहले यह अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिल चुका है मोदी जी ने कोरोना महामारी के जरिए दुनिया को ये सीख दी है कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द यूएस ओपन गोल्फ टाइटल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर ब्रायसन डिसेम्बो ने यूएस ओपन गोल्फ खिताब जीता है ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर है फ्रेंड्स चार तरह की चैंपियनशिप होती है गोल्फ में ठीक है द मास्टर्स द यूएस ओपन द ओपन चैंपियनशिप द पीजीए चैंपियनशिप नेक्स्ट क्वेश्चन हु वोन 2020 ट्वेंटी विमेन्स इटैलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन 2020 महिला इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट सिमोना हेलेप ने जीता है ठीक है और इन्होंने साथ ही में फरवरी में दुबई टाइटल भी जीता था नेक्स्ट क्वेश्चन हु won 2020 ट्वेंटी Italian इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री 2020 पुरुष इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट नोवाक जोकोविच ने जीता है ये सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और इनकी करंट रैंक है नंबर वन ठीक है इससे पहले जो इस साल के अगर हम रिजल्ट देखें तो इन्होंने ए कप पी मास्टर्स दुबई टेनिस चैम्पियनशिप टाइटल भी दो में जीते हैं ठीक है फ्रेंड्स में एक टर्म होती है बिग टाइटल ठीक है बिग टाइटल जो होते हैं अगर आप इसमें तीन चीजें तीन चीजें ऐड होती हैं एक तो ग्रैंड स्लैम ठीक है किसके कितने ग्रैंड स्लैम्स हैं सेकंड होता है इसमें ए फाइनल्स ठीक है और तीसरा होता है ए मास्टर्स 1000 ठीक है तो तीनों के टाइटल्स की जो संख्या होती है उनको ऐड करके तब निकाला जाता है कि किसके पास कितने बिग टाइटल्स हैं ठीक है फर्स्ट हो गया इसमें आपका ग्रैंड स्लैम दूसरा हो गया नीटो ए फाइनल्स और तीसरा हो गया मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट तो इसमें इस टाइम सबसे ज्यादा नोवाक जोकोविच के पास सबसे ज्यादा बिग टाइटल्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंसिया फ्रेंड्स जो ये अल्जाइमर होता है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ठीक है जिसमें मेमोरी और आपकी थिंकिंग स्किल और बिहेवियर में बिहेवियर के पैटर्न में काफी बदलाव आता है ठीक है मतलब ये डेटोरेट होती रहती है मेमोरी लॉस भी इसका एक सिम्टम्स होता है कई सारे सिम्टम्स यहाँ पर दिए हैं जैसे विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज पुअर जजमेंट है ना डिफिकल्टी विद वर्ड्स अनफाउंडेड इमोशंस मेमोरी लॉस मिसप्लेसिंग आइटम्स ठीक है तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एस बी आई लॉन्च महिला आत्मनिर्भरशील अचानी प्रोग्राम इन विच स्टेट ठीक है तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन एस ने असम राज्य में महिला आत्मनिर्भरशील अचानी प्रोग्राम लॉन्च किया है ठीक है और एस के इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना है साथ ही उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड कराना है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एस एच जी के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स एस एच जी दस से बीस लोगों का एक समूह होता है जिनकी सिमिलर प्रॉब्लम्स होती हैं और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं सभी मेंबर्स अपनी ओर से एक अमाउंट जमा करते हैं जिसे कि समूह के किसी जरूरतमंद मेंबर को दे दिया जाता है ताकि वह अपनी आवश्यकता पूरी कर सके कोई रिटायर्ड स्कूल टीचर या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इनकी इस काम में सहायता करता है गाइड करता है ये ग्रुप कहीं पर भी पंजीकृत नहीं होते हैं एक फैमिली से केवल एक ही सदस्य एक इस किस, एक किस किसी प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बन सकता है ठीक है जो लोन इन्होंने अपने किसी मेंबर को दिया है वो कब वापस देना है उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा ये सभी शर्तें ग्रुप ही डिसाइड करता है रूथ पेडर गिन्सबर्ग रिसेंटली पास्ट अवे वॉज अ रिनोमड जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर रूथ पेडर जिन्सबर्ग जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे यूनाइटेड स्टेट्स की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में क्योंकि इन्होंने वुमेन राइट्स के लिए काफी काम किया है काफ़ी अच्छे जजमेंट्स दिए हैं तो ये काफ़ी पोटेंशियल क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्ले दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी थैंक यू गाइस